नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर रोड नंबर 1 में छापेमारी कर शराब की होम डिलीवरी करने वाले शराब तस्कर गिरोह के 7 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस छापेमारी में शराब तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना मिथिलेश यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मौके से 2 कार में लदे 157 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपितों के पास से पुलिस ने 12,000 रुपये के अलावे 6 मोबाइल भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के भागवत नगर इलाके में महंगी गाड़ियों में शराब भरकर उसकी डिलीवरी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर मौके पर ही शराब तस्करों को दबोच लिया। तलाशी के क्रम में 2 कार से 157 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। बरामद की गई क्या कुछ पूरा मामला था? आज दिनांक 17/1/24 को सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि भागवत नगर पर 2 गाड़ी से अंग्रेजी शराब को लेकर आए हैं और उसको डिलीवरी करने के चक्कर में हैं। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें सत्यापन कर करीब 197 लीटर अंग्रेजी शराब, 2 गाड़ी एवं 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है एवं 12,000 रुपया भी बरामद की गई है। पुलिस इस संदर्भ में अगतर कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है सर 7 आरोपी का? 7 आरोपी जो है वह 6 में से 6 जो है हिलसा नालंदा जिला के रहने वाले हैं, 1 रामकृष्णा नगर के हैं। 6 का अलग अलग से पूछताछ की जा रही है, फिर फर्दर आगे अनुसंधान में बातें बाद में बताई जाएगी।